गुड मॉर्निंग राधे कृष्णा जी, नमस्कार जी सभी को। और उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर में खुश होंगे और मस्त होंगे। और आप सभी का मेरे चैनल राजी मॉम सोलन में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अब मैं तैयार हो गई हूँ और मेरा बेटा राजीव वो अभी तैयार हो रहा है। तो आज हम जा रहे हैं अपनी मम्मी के घर। आज मेरे पापा जी का श्राद्ध है तो हम वहाँ जा रहे हैं और फिर दूसरी बस में आ जाएंगे। इसको तो मैं लेके नहीं जा रही थी, बस इसका मन कर गया। मैंने भी जाना, मैंने बोला कि मैं अभी दिन दिन को जा आती हूँ और फिर वापस आ जाऊँगी। ये आपको धुआं धुआं सा दिख रहा है ना थोड़ा सा, तो मैंने अभी धूप बत्ती किया था, जोत जलाई थी, धूप जलाया था तो उसका धुआं धुआं सा हुआ था। और अब मैं चलती हूँ। हो गया बच्चे तैयार? राजी हो गए तैयार? कितनी देर में हो जाएगा? लेट हो जाएगी, बस छूट जाएगी हमारी। तो फ्रेंड्स, चलती हूँ और आगे मैं, मेरे साथ ऐसे ही ब्लॉग में बने रहना जी। आज हम शाम के टाइम में, हो सकता है साईं जी ब्लॉग करके जो यूट्यूबर है वो, उन्होंने मुझे अपने पिताजी की श्राद्ध कर रहे हो तो वहाँ पे उन्होंने मुझे इनवाइट किया था। तो दिन में तो हमें टाइम नहीं होगा। और फिर मैंने उनको बताया था कि मैं शाम के टाइम है जब हमारी 5-6 बजे तक बस पहुंचेगी वापस। गाइज, मैं पहुंच गई थी। रास्ते में ये देवथल हिमाचल प्रदेश में ही पड़ता है और सोलन डिस्ट्रिक्ट और सिरमौर के बीच में ही है ये। और ओझघाट से आगे ये लोहे का पुल है, बहुत पुराना। और यहाँ से हम बस में बैठकर जा रहे थे। तो आप साथ मेरे साथ ऐसे ही ब्लॉग में बने रहे और यहाँ का जो वेदर और व्यू है उसको एंजॉय कीजिए। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर अच्छी लगी आपको वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।
गाइस यहाँ पे हमने जो खाना रखा हुआ था गाय का और कौवा का और डॉगी का वो हमने दे दिया था और गाय को दे दी राजीव और राजू कहाँ है सामने आओ आ जा ये सड़क से नीचे को और ये थोड़ा सा नीचे को ये यहाँ पे गाड़ी खड़ी की हुई इसमें गैराज में और ये लाल चादर वाला ये मेरी मम्मी का घर है। बरसात में कैसे कैसा हो जाता है मौसम, कुछ दिखाई भी नहीं देता। और यहाँ पे राजीव रुका है बस के लिए, अभी बस आने वाली है। और यहाँ पे ये मेरा घर दिखाई दे रहा है नीचे को। और ये देखो ये हिमाचल की बहुत पक्की लकड़ी होती है, इसको बोलते हैं हमारे तुन्नी, तुन्नी का पेड़ है। और कुछ आ जाऊँगी बच्चे अभी नहीं आती, बस दौड़ के आ जाऊंगी मैं। और यहाँ सारा पानी जाता है सड़क का, ये जाता है यहाँ से सड़क का सारा पानी ना, ये देखो यहाँ से पता नहीं क्या क्या किया, ये डंगा लगाया हुआ ये सारा यहाँ से ये लेके यहाँ से वो ये डंगा सारा मेरा ये है। और नीचे घास हुई बीस भी ये भी मेरा ये मेरा सारा। और मेरी मम्मी रुके हुए नीचे, मम्मी जाओ अंदर रेस्ट करो अब। अच्छा हाँ अभी तो 25 हुए, 30-35 में आती है बस। बरसात में बहुत बुरा हाल हो गया और यहाँ घास काटने को हो गया नीचे सारे। और ये है चंबा घाट से आगे डीजल पंप बोलते हैं यहाँ को। और फिर है बस यहाँ पे आगे वो है मक्की घूमते रहते गोलगप्पे वाले, रेडिया लगी हुई यहाँ पे। और ये जा रहा है रास्ता बस यहाँ जैसे ये लिखा हुआ ठेका, शराब का ठेका यहाँ से और सीधे फिर हम ऊपर को, ये रास्ता है आगे। अभी तो हमें वो रेलवे पटरी मिलेगी अभी। राजू रुक जा बेटे, मेरे को झूठ क्यों बोल रहा था कि मैं नहीं लाया बैग। अच्छा यही पे हाँ जी हाँ जी। अच्छा ये थोड़ा सा आगे आना ना, यहाँ से तो रास्ता आता है। हाँ हाँ दिख गया रास्ता तो हमारे को। हाँ जी भाई यहीं से आ जाओ। अच्छा ठीक है, बहुत मेहमान आए हुए आपके। नहीं दो मैडम है इनके स्कूल के, उनके ऑफिस के मैडम के, बाकी तो चले गए सारे जी। अच्छा अच्छा ठीक 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 चल ठीक है आते आते फिर। ठीक कैमरा मैन गिर गया था, अभी हम जा रहे हैं सांग भाई लोग उनके घर। और रास्ता ऐसे ऐसे खाए हैं रास्ता, ये करोल की टिब्बा है ना जो हमारे सोलन में, वो पहाड़ी दिख रही है। और ये देखा कितना प्यारा व्यू है यहाँ से, ये पूरा सोलन दिखाई दे रहा है, ये वाला पूरा तन दिखाई दे रहा। पर ये ऐसा है कि फिर जो ये सारी सड़कें हैं ना ये शिमला को जाती है। और ये जिसमें छोटी वाली ये सोलन के लिए जाती है। और ये बेरगांव है, ये वाला बेरगांव।
हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। आइए आप सभी अच्छे होंगे और इस चैनल पे देख रहे होंगे, मुझे तो आप भी हैरान हो रहे होंगे। और भाई ये बंधक कहाँ से आ गए इनके चैनल पे? तो दोस्तों ये मेरे घर पर आए थे, आज है श्राद्ध पिताजी का, तो मैं कहा चलो इनको बुलाया था, कभी मिला भी नहीं इनसे और ऐसी बात हुई थी, तो आज इनने घर पर बुलाया और काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी हंसमुख है। सिस्टर भी बोलते नहीं ज़्यादा, बोला करो सिस्टर चैनल पर बोलते नहीं आप, है ना? नहीं, आपने भैया मुझे बहुत सपोर्ट किया, ये आपसे ही मैं सब कुछ सीखी हूँ। इन्होंने मुझे कैमरा चलाना सिखाया था और इन्होंने मुझे बताया था भी कहाँ से वीडियो को एडिट करते हैं, तो आप भैया बहुत थैंक यू सो मच आपका। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और आगे मैं यही बोलती हूँ कि भी इनका साई जी ब्लॉग है जो इनको भी आप चैनल है इनका, उनको आप सब्सक्राइब करें और बहुत फनी फनी वीडियो डालते हैं, तो जरूर आप इंजॉय कीजिए उनको। और बस अभी अंधेरा भी होने वाला है, अब चलते हैं, बस इनको विदा करते हैं, खाना खा के हट गए। भाभी जी भी हर बहुत हंसमुख है, अभी आपको दिखाती हूँ। तो अच्छा लगा बेटा यहाँ पर आके, घर आके कैसा लगा? बहुत ही अच्छा, बहुत नाइस, बहुत व्यू बहुत अच्छा है, तो मैं वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूंगी वो वाला। और ये भाभी जी ये यहाँ पे और ये साथ में इनके सिस्टर भी है और चारों भी छोटी सबको। तो सभी से मुलाकात करवा दी दोस्तों, और बाकी यहाँ से आगे की वीडियो की शुरुआत ये खुद करेंगे, जैसा भी करेंगे, और बस बोलते रहना है, घबराना नहीं, कभी ना बोलो। राम राम सभी भाइयों ने राम राम सारे आने भी, राम राम सारे आने, बाय बाय। टाइम हो चुका है और क्या करे, जैसा भी है, फिर देखती हूँ, फिर मैं अगर दिन हो तो ना इस टाइम, तो कितने अच्छे अच्छा आना था यहाँ पे ना, देखा कितने अच्छे प्लांट लगाए हुए इन्होंने, बहुत अच्छे अच्छे प्लांट लगाए हुए है ना, इस साइड को भी, इधर भी किसी और का ही है पर फिर भी अच्छा है। और देखना कितना प्यारा है, रात को ऐसे लग रहा जाने दशहरा दिवाली हो, पर हमारे तो ये डेली होता है, जब दिवाली होगी ना तब तो पता नहीं क्या कैसा कैसा मौसम होएगा यहाँ पे, बहुत प्यारा मौसम है। ये वाली देखियो राजीव, हार्ट वाला वो आ रहा, जैसे हार्ट ना था ये वाला, ये वो है ना, ऐसे लग रहा है यहाँ पे ये वाला कि यूँ और ऐसे करके ये हार्ट वाला है, कितना अच्छा आ रहा। और ये हाईवे रोड दिख रहा है यहाँ से शिमला का, बहुत ज़्यादा